कहते हैं हुसन सोगवार या उदास हो तो मजीद बढ़ जाता है। बिना मेहनत किए मजीद हसीन होना चाहती हैं जो हर वक्त उदास रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसी नहीं है, उदासी नहीं या हसीन नहीं? जो चेहरे अपनी बेफिक्री के दिनों में परेशानियों से गुजर जाएं, वहां मुस्कुराहटें रास्ता बदल लेती हैं। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया के हर चेहरे को परेशानी का सामना होता है, मगर जो खुद पे हावी कर लें वही मुश्किल में आ जाते हैं। अब आप मुझे ही देख लें, यतीम होने के बावजूद एक बहन का बोझ संभाला और मुश्किलात को कहीं पीछे छोड़ दिया। अब वो लाख मेरे पीछे आए, मुझ पे नहीं हावी हो सकते। खैर, आप मुझे ये बताइए कि अभी क्या मसला है। मैं बस ये सोच के परेशान हूँ कि अब्बू और ताया अब्बू इतना बड़ा बिल कैसे अदा करेंगे। उन्होंने तो आपसे और अयान से हेल्प लेने से भी मना कर दिया है, और आपको तो छोड़े, वो तो मुझसे और महानूर से भी मदद लेने को तैयार नहीं है। अब चलें, कोई बात नहीं, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी बेटियों से तो मदद इंसान ले सकता है ना। लेकिन नहीं, क्या हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये है कि हम पराए हो गए, हम अपने मैके की कोई हेल्प नहीं कर सकते। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उनकी किस तरह से मदद करेंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूं, क्या करूं मैं आखिर। ऐसा चले, मैं आपकी ये मुश्किल भी हल कर देता हूँ। कैसे? जब मैं कनेक्शन बहाल करवा सकता हूँ तो डिटेल्स निकलवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेफिक्र हो चलिए, शाम तक बिल भी पे हो जाएगा और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच हारिस, आप जब से मेरी जिंदगी में आए मुझ पे एहसान ही कर रहे हैं सिर्फ। और आप मुझ पे एहसान कर रही हैं मेरे साथ रहकर। मैंने इस रिश्ते को देर से ही सही पर दिल से कबूल किया है। देखिए मोहब्बत सतरंगी तीस से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।